चुनाव से पहले अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ उथल पुथल ना हो तो लगता नहीं है कि सियासी माहौल है। और बीते 24 घंटे उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरीके से तब्दीलियां आई हैं, उन तब्दीलियों ने बहुत कुछ इशारा किया है। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी से 3 मंत्री और लगभग 11 से 12 विधायकों ने इस्तीफे दिए। उन्हीं में से एक बहुत ही खास भारतीय जनता पार्टी के अभी तक थे और एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, दारा सिंह चौहान जी, जो कि वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। इस वक्त हमारे खास बातचीत में हमारे साथ हैं। हम बात की करके ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे कि पार्टी छोड़ने का क्या कारण था, आगे क्या कुछ रणनीति होगी। सर, सबसे पहले तो #भारत में बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरीके से सर अगर बात करें कि आप वन एवं पर्यावरण मंत्री थे, तो क्या आपने एटमॉस्फेयर को पहले ही भाप लिया था कि 2022 में सत्ता किधर जा रही है, सियासत का क्या रुख होगा, तो उसी हिसाब से आपने फैसला लिया? नहीं, तो ऐसा नहीं है, लेकिन तो छात्र जीवन से ही हमेशा जो गरीब है, मजलूम है, लाचार है, वंचित है, दलित, पिछड़ा, इसे समाज के बेहतरी विकास के लिए हमेशा सोचते रहते थे, काम करते रहे। 2017 में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसकी सबसे बड़ी आबादी पिछड़े समाज की है। इस पिछड़े समाज के लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े हो गए, दलित समाज के लोग खड़े हो गए, बेरोजगार नौजवान खड़ा हो गया अपने रोजगार के लिए, किसान अपने खुशहाल खेती के लिए खड़ा हो गया। आज सारे लोग परेशान हैं, और खास करके मैं कहता हूँ कि जब डेमोक्रेसी में नंबर का महत्व, संख्या का महत्व है, उसी संख्या बल के आधार पे लोग विधानसभा से लेकर लोकसभा तक पहुँच रहे हैं, गांव पंचायत से लेकर देश की बड़ी पंचायत में पहुँचने का काम करते हैं। वो पिछड़े समाज के लोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने के बावजूद 5 साल तक इंतजार करते रहे कि शायद मेरे हित के लिए काम किया जाएगा, मेरे हित में कुछ फैसला लिया जाएगा। लेकिन 5 साल तक इंतजार करने के बाद जब लगा कि पिछड़ों की पूछ और पहचान नहीं है, उनके हित की अनदेखी की जा रही है, उनके सभी जो विकास के काम हैं, चाहे उनकी शिक्षा, नौकरी, आरक्षण, हर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, तब हाथ होकर के हमने जो है कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्यागपत्र दे दिया। सर, अगर बात करें जिस तरीके से आप वैसे तो वन मंत्री थे, मगर इसके अलावा भी आपने, चाहे वो बाढ़ पीड़ितों की सेवा हो, मकान देना हो उनको, या विद्यालय बनाना हो, ये तमाम काम आपने किए, हालांकि जो कहीं आपके विभाग से हटके थे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जनता से लगाव था। मगर क्या लगता है कि जो आप उम्मीद रखते थे पार्टी से, अन्य विभाग जो अलग अलग जिसकी जिम्मेदारी थी, लगता है कि उसको सही तरीके से निर्वहन नहीं हुआ, तो मजबूरी में आपको फिर आगे चल के कदम उठाना पड़ा, सोचना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सुनारे में लोगों ने भरोसा किया कि सबका साथ सबका विकास, तो इस प्रदेश में ऐसे तमाम के समाज के लोग थे, उनको भरोसा हुआ कि शायद इस नारे में सच्चाई हो, और लोगों ने उसको सच साबित करने के लिए सारे लोगों ने समर्थन किया, पिछड़े समाज के लोग पूरी तरीके से। और 5 साल तक आप भी जानते हैं कि सरकार का सारा फैसला 5 साल का एक दिन में नहीं होता, हर दिन कोई न कोई नए फैसले होते रहे। ये पिछड़ा समाज जो देखता रहा कि शायद हमारे हित में कोई फैसला लिया जाएगा, हमारे सम्मान पहचान के लिए, हमारे रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, आरक्षण के लिए, क्योंकि आप देखा आपके सरकार ने अंतिम दिन तक जो है जो पिछड़ों समाज की हमेशा उपेक्षा की, उनके हित की अनदेखी की, तब उससे आजीज होकर के, हाथ होकर के हमने उससे त्यागपत्र देने का काम किया है। आप देख रहे हैं कि आज पूरे प्रदेश का नौजवान जो सड़क पर है, डिग्री लेके घूम रहा है रोजगार के लिए, आज वो किसान जो पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में खड़ा था, आज रात के समय भी अब जानवरों से अपनी फसल की रक्षा के लिए जहाँ घर में सोना चाहे खेत में सो रहा है, कितनी पीड़ा उसकी होती होगी। आपने देखा कि 5 साल में जिस तरीके से टीचर की भर्ती में आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ, और आज कई महीनों से नौजवान जो है पिछड़े हैं, दलित हैं,
जिनके ऊपर लाठियां बरस रही हैं, आज क्या स्थिति है। तो इस सारी चीजों को लेकर के हम लोग सरकार में, संगठन में जो उचित फोरम था वहां अपने प्रयास के अपनी बात को पहुंचाने के लिए कि शायद अपेक्षा के साथ कि शायद हमें न्याय मिलेगा, हमारे समाज को न्याय मिलेगा, पूरे वर्ग को न्याय मिलेगा, गरीब को, लेकिन आज तक ऐसा नहीं दिख पाया। तो मुझे लगने लगा कि पूरी तरीके से इस प्रदेश की सरकार को बनाने में जिस नौजवानों ने, जिन किसानों ने, दलितों ने और ख़ास करके उत्तर प्रदेश की जो सबसे आबादी वाला जो संख्या है वो समाज है ओबीसी, इस सारे लोगों के हित की अनदेखी करने के बाद तब हमने जो है फैसला लिया है इस सरकार से बाहर जाने का। सर, एक सवाल है कि जिस तरीके से आपने यूथ की बात की, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी थे इसी लखनऊ में 7 महीने तक उन्होंने प्रदर्शन किया, बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का कई बार घेराव किया, मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया, नहीं हो पाई मुलाकात, तो लगता है कि इसमें जो रिजर्वेशन आरक्षण वाले थे उन्होंने भी काफी जो है लाठियां खाई और प्रदर्शन किया। तो अब जब अगर जिस दल के साथ आप गए हैं, अगर सरकार आती है तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा, उनको नियुक्ति मिलेगी? देखिए, अभी हमने कहाँ जाना है वो तो मुझे आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि मेरे जितने भी शुभचिंतक और समर्थक साथी हैं जिनके सहयोग आशीर्वाद से मुझे कई बार पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला, विधानसभा में जाने का मौका मिला, उन सारे लोगों से रायशुमारी करने के बाद जो उनका अंतिम निर्णय होगा वही मेरा अगला कदम होगा, फिर आपको बताऊँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और निश्चित रूप से जो इस गरीब समाज के साथ, पिछड़े समाज के साथ जो न्याय करेगा, दलितों के साथ न्याय करेगा, नौजवान किसानों के इंसाफ की बात करेगा, उनकी बेहतरी की बात करेगा, निश्चित रूप से हम लोगों का रास्ता वही होगा। सर, एक सवाल है कि जिस तरीके से सरकार, बीजेपी सरकार नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर प्रदेश के मुखिया योगी जी वो 80 और 20 की बात करते हैं, इस तरीके के जब बयान सामने आते हैं तो वो एक समाज में क्या मैसेज जाता है, क्योंकि 80 और 20 जो बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कहीं से भी उचित नहीं है। अभी तो लोग वहाँ पोके तो 20 कौन है। मैं तो कहता हूँ जब सबका साथ सबका विकास, इसमें तो सारे लोग सभाहित है, जिन लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, इसमें हिंदू, मुसलमान, अगला पिछला सारे लोग शामिल थे। फिर 80-20 का कहाँ से सवाल पैदा होता है? हम तो सबके विकास और बेहतरी की बात करते हैं, और निश्चित रूप से हम लोग वहीं जुड़ेंगे जहाँ सबके साथ इंसाफ हो, जहाँ सामाजिक न्याय की बात हो, जहाँ आरक्षण की रक्षा सुरक्षा हो, जहाँ जिस संविधान से खिलवाड़ करने की साजिश हो रही है, जिस पार्टी सरकार में संविधान की पूरी तरीके से सुरक्षा हो, हम लोग उधर ही कदम होगा। हाँ सर, जिस तरीके से बात करें, अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो हमेशा कहा जाता है कि यहाँ की जो राजनीति है कहीं ना कहीं जाति और धर्म पर केंद्रित रही है, मगर क्या इस बार जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास, रोजगार, स्वास्थ्य इस तरफ डाइवर्ट हो रही है? देखिए, जात इस देश की सच्चाई है, और सही माने में जातिवाद का आरोप वो वह लोग लगाते हैं जिन लोगों ने इसको पैदा किया, जिन लोगों ने उसका जन्म दिया। जो लोग कभी अपने हित में ये किए होंगे, शायद हो सकता है इसी जातिवाद से उनको परेशानी हो, लेकिन जाति सच्चाई है इस देश की, प्रदेश की। इसलिए से तमाम जो छोटी छोटी जात मिलकर एक बड़ी जमात बनी है जिन्हें पिछड़ा समाज कहते हैं, जब तक पिछड़े समाज के हित में जो फैसला लेगा, जो दलित समाज के उत्थान की और बेहतरी की बात करेगा, जो नौजवान के रोजगार की बात करेगा, जिस तरीके से जो छात्र हैं नौ जो स्कूल में पढ़ने वाले, इनको स्कॉलरशिप के नाम पर, एडमिशन के नाम पर उनके खिलाफ जो मैंने एक तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, ऐसे लोगों के हित पर फैसला लेगा, किसानों के हित पर फैसला लेगा, तो हम सारे लोग उसके साथ खड़े होंगे। सर, बस अंतिम सवाल है कि किस तरीके से सर सरकार चाहते हैं, और अब आगे जो भी सत्ता आए तो आप जिस जिन चीज़ों से आपने इस्तीफा दिया है तो क्या चाहते हैं कि प्रदेश में किस तरीके का विकास होना चाहिए? और एक सवाल है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की अगर बात करें तो उनको इस वक्त मौजूदा उत्तर प्रदेश की सियासत में कहाँ देखते हैं और किस तरीके से वो लड़ाई में? अब तो निर्णय लेने के बाद जब आगे देखें क्या होता है, किस पार्टी में जाते हैं, क्या फैसला लेते हैं,
उसके बाद हम विवेचना कर सकते हैं उसके बारे में विस्तार से बिंदुवार पहुंचने के बाद, तो पार्टी में शामिल होने के बाद, और शामिल होना अपने समर्थक के सोच विचार मशविरा पे है, निर्भर है कि वो क्या निर्णय करते हैं। वो भी समझदार लोग हैं जिन्होंने समझदारी के साथ मुझे पार्लियामेंट भेजने का काम किया, पहली बार मधुबन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। ऐसे जिम्मेदार साथियों से चर्चा करने के बाद कि फैसला लेंगे, फिर वहाँ विवेचना करने के बाद निश्चित रूप से मैं पुनः आपसे बात करूंगा, तो बताऊंगा आगे क्या होने वाला है, अब किस तरीके से होने वाला है। ठीक, थैंक यू। साफ तौर पे हमारे साथ दारा सिंह चौहान जी थे जिन्होंने कहा है कि जिस दल में भी जाएंगे खास तौर से उत्तर प्रदेश के विकास की, युवाओं के रोजगार की मुद्दों को मद्देनजर रख के ही किसी भी दल का दामन थामेंगे। अब देखने वाली बात यह काफी ज्यादा अहम होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ खबर आती है। वीडियो जर्नलिस्ट चंद्रकांत के साथ फरीदुल हसन, लखनऊ।